नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुट्टी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की छुट्टी कर दी गई। योगेंद्र यादव ने बैठक के बाद कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारी बात नहीं सुनी गई, बोगस वोटिंग कर हमें बाहर निकाला गया, हमारे समर्थक रमजान चौधरी को पीटा गया, चौधरी को हड्डी में चोट आई है। यादव ने बताया कि बैठक के बीच में गद्दारों को बाहर निकालो के नारे लगने लगे। इसके उलट आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मारपीट की बात गलत है, योगेंद्र और प्रशांत चर्चा में शामिल नहीं हुए, चारों को प्रस्ताव के जरिए निकाला गया, 247 सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में थे। दूसरी ओर भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुई हंगामे पर कहा कि दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पार्टी को सत्ता सौंपी थी और राजनीतिक अनुभव के अभाव में यह अवसर व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जेटली ने कहा कि आप में जिस तरीके से एक दूसरे नेता की बातचीत टैप की जा रही है, इस तरह की राजनीति की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अनुभवहीनता की वजह से लोगों की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। न ज्वाइनिंग है न नियुक्ति पत्र, फिर भी वेतन निकला 57 लाख रुपए। मध्य प्रदेश में घोटाले और अनियमितताएं कोई नई बात नहीं है, मगर कृषि महाविद्यालय सीहोर में तो वाकई अजूबा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत डॉक्टर HBS भदौरिया का वेतन सीहोर से ही निकला है, मगर एक RTI जानकारी में महाविद्यालय ने ही बताया है कि भदौरिया की न तो यहाँ ज्वाइनिंग है और न ही उनका यहाँ नियुक्ति पत्र मौजूद है। इससे न सिर्फ भदौरिया बल्कि महाविद्यालय भी सवालों के घेरे में आ गया है। इस संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW में शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भदौरिया ने फर्जी तरीके से सीहोर कृषि महाविद्यालय से 57 लाख रुपए वेतन के रूप में लिए। भदौरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। इनकी संपत्ति की कीमत वर्तमान में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भदौरिया की सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक पद पर पदोन्नति के दौरान भी नियमों को उल्लंघन किया गया। नियम के मुताबिक सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक बनने के लिए विश्वविद्यालय में 10 साल तक अध्यापन कार्य करना जरूरी होता है, लेकिन भदौरिया को बिना अध्यापन के ही प्राध्यापक बना दिया गया। इनकी PhD भी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्टिंग का ऑडियो टेप जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। एक ऑडियो टेप जारी हुआ है जिसमें आप नेता उमेश सिंह ने केजरीवाल से बात की है। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूँ कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा, लेकिन यह है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा RTI लागू करो, हमने RTI लागू करो, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग, इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है हमारे, हमारे में क्षमता कम हो सकती है लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश, ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को।
कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात से। बीएसएफ ने पाक तस्कर को मार गिराया, करोड़ों की हेरोइन बरामद। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक तस्करों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया। मौके से बरामद 24 किलो हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 120 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।